हेलो फ्रेंड्स, पराठे खा लो। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के पराठास पर। बहुत ही फेमस कैफे है इंदौर का, और आपको बता दें कि एक नई शुरुआत भी है। हमारे साथ है पराठास कैफे के मालिक और उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम बातें, तमाम मस्ती उनके साथ होगी। सर, पराठास एक यूनिक नेम है, तो क्या यहाँ पे पराठे ही मिलते हैं या फिर कुछ और भी आप सर्व करते हैं? जी, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ वेराइटीज ऑफ पराठा से स्टार्ट किया है। वी हैव मोर देन 28 वेराइटीज ऑफ पराठा समथिंग, मतलब वी आर सर्विंग मोर देन 28 वेराइटीज ऑफ पराठाज हियर। अब हम लोग इसको मूव अहेड करते हैं। हम लोग 3 टाइप्स की ग्रेवीज भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 10 डेज। तो क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने कस्टमर से फीडबैक लिए है, तो कस्टमर चाह रहे हैं कि पराठे तो आपके बहुत यम्मी है, तो आप लोग आपकी ग्रेवीज भी यहाँ पे लेके आइए। तो शायद से तो वो लोग पराठे और ग्रेवीज भी लोगों का की डिमांड है, तो हम लोग ग्रेवीज लेके आएंगे। और साथ में हम लोग जो जनरल खाना होता है, जो रोटीज वगैरह होती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं डैश पराठास पे। क्योंकि आजकल पराठेज भी मतलब लोग का डेली खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि डेली फूड जो होता है, जो आउटसाइडर्स है, जो हॉस्टल आइड है, उनके लिए थोड़ा सा लाइट फूड भी हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग प्लान कर देंगे। सर, खाना खिलाना बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है हमारे शास्त्रों से लेकर। तो अभी तक आप इतनी उम्र में भी खाना खिला रहे हैं लोगों को, क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या कहते हैं, कितना खुश होते हैं लोग? कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं हुआ है, किसी को कोई कंप्लेन आज तक नहीं रही है। मैंने हर किसी से फीडबैक दिया है, हर व्यक्ति तारीफ करके गया, खुश होकर गया। यही मेरे को अच्छा लगा सबसे बड़ी बात। यहाँ पे वेट करके जो मेरे को खुशी है, वो ये है कि अपन किसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, आने वाला खुश होकर के जाए, यही हमारी उपलब्धि। बिल्कुल, यहाँ की टेबल में देख रहा हूँ, बड़ी ही खूबसूरत टेबल है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसका आउटलेट बना हुआ है, एकदम पेड़ की तरह, यानी कि एकदम फील आता है कि हम जंगल में बैठे हैं और यमी यमी पराठे का मजा ले रहे हैं। तो ये टेबल का आइडिया सर काफ़ी खूबसूरत, मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगी, किसने दिया? एक्चुअली क्या, पराठा थोड़ा सा क्या देसी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या वॉल सीलिंग और इस टाइप का हम लोगों ने नहीं किया, इसको थोड़ा सा रॉ लुक दिया है। क्योंकि ये देसी प्रोडक्ट है, मतलब गांव का प्रोडक्ट है बेसिकली। ये मतलब सिटीज़ में तो लोग बर्गर्स खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, तो सिटी में हम लोग एक थोड़ा सा क्या देसी टच लेके आए हैं। यहाँ आपको देख के लगता है कि सब कुछ रॉ है। जैसे आप दीवारों को देखेंगे तो प्लास्टर्स नहीं है, ये स्विच बोर्ड्स देखेंगे तो ये सब पुराने टाइप्स के हैं। तो उसी हम लोगों ने इसको देसी टच दिया है। और अभी आप सबने पूछा था कि यूथ का क्या रिस्पॉन्स है, तो यूथ के लिए हम लोगों ने पराठास को रोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आजकल की यूथ है जो रोल्स खाना पसंद करती है, तो हम लोग पहले पराठास बनाते हैं, उसको स्टफ्ड पराठास को फिर हम लोग फिलिंग करके रोल्स में कन्वर्ट करते हैं। आजकल की यूथ जनरेशन उसको बहुत लाइक कर रही है यहाँ पर। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। 28 तरह की वेराइटी है, सुनके ही मुँह में पानी आ जाता है। आप देख रहे हैं कैफे विद केपी, एक पराठा भी एक प्रोडक्ट है, कैफे के अंदर ही आता है। बड़ा ही खूबसूरत नाम, बड़ा ही खूबसूरत स्वाद, एक बार आइएगा ज़रूर।